वेलकम टू एनएसपी सॉल्यूशन। तो आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में 14 ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूलेस के बारे में जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही काम आने वाले हैं, तो इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहला जो हमारा फॉर्मूला है वो है एवरेज। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास जो है कुछ इम्प्लॉय का आईडी है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास इम्प्लॉय का नेम है। उसने सभी ने जो है अलग अलग यहाँ पर सेल्स भी किया। इन सभी का हमें जो है क्या करना है, एवरेज अमाउंट निकालना है कि एवरेज इसने कितना सेल किया सभी ने। तो उसके लिए यहाँ पर यूज करेंगे इक्वल, उसका यहाँ पर हम यूज करेंगे एवरेज, इस तरह से हमें ले लेना है और यहाँ से सभी के जो अमाउंट को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, इंटर बटन प्रेस कर देंगे, देखेंगे जितना भी एवरेज जो अमाउंट होगा वो निकल करके यहाँ पर आ जाएगा। एक पहला तरीका ये हो गया, ठीक है। अब दूसरा तरीका क्या है, इन सभी का सम निकाल लेंगे यहाँ पर। उसके लिए अल्ट प्लस इक्वल की प्रेस करेंगे, इंटर बटन प्रेस कर देंगे, देखेंगे सभी का यहाँ पर जो है इक्वल होकर के टोटल अमाउंट आ जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर जाना है इक्वल, उसके बाद क्या करना है, ये टोटल अमाउंट को ले लेना है, डिवाइड कर देना है। हमारे पास जितने भी इम्प्लॉय है उतने इम्प्लॉय से, हमारे पास कितना है यहाँ पर टोटल 10 इम्प्लॉय है, तो डिवाइड बाय 10 कर देंगे और इंटर बटन प्रेस कर देंगे, तो भी देखेंगे एवरेज निकल करके आ जाएगा। इसमें से जो भी अच्छा लगे उस हिसाब से अपने जो है क्या कर सकते हैं कि एवरेज निकाल सकते हैं। चलिए अब हमारा नेक्स्ट जो हमारा है ये है सब टोटल। अब देखिए सब टोटल का यूज कब करते हैं, जब हम कोई सी भी डाटा पे फिल्टर यूज करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, अब नॉर्मली अगर इसको क्या करते हैं, अल्ट प्लस इक्वल की प्रेस करते हैं, यहाँ पर जाते हैं सबसे पहले टोटल कर लेते हैं, ठीक है। जैसे हमने कर लिया और यहाँ पर जाते हैं फिर से हम जाते हैं उस तरह से हमने यहाँ पर कर लिया। अब यहाँ पर देखेंगे अगर हम फिल्टर अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, जाएंगे यहाँ से सभी को हटा देते हैं, कीबोर्ड को देखना है, ओके करेंगे तो देखेंगे कीबोर्ड का जो है दिखा देगा लेकिन टोटल अमाउंट यहाँ पर नहीं दिखा रहा है, ठीक है। हम चाहते हैं कि नहीं यहाँ से कीबोर्ड का जो टोटल अमाउंट है वो भी दिखा दे, या फिर पार्टिकुलर किसी भी सिर्फ कीबोर्ड का नहीं, प्रिंटर का उसका करते हैं तो कितना क्वांटिटी सेल किया, उसका कितना अमाउंट सेल किया, वो भी यहाँ पर दिखा देना चाहिए। तो यहाँ पर उस चीज़ को जो करने के लिए हम यूज करेंगे सब टोटल का। चलिए करके देखते हैं, उसके लिए यूज करेंगे इक्वल, यहाँ पर यूज करेंगे सब टोटल, इस तरह से हमें ले लेना है। उसके यहाँ पर देखेंगे कि हमें क्या करना है, सम करना है, देखना है ये जो है ना सभी का अलग अलग नंबर दिया गया, जैसे मिनिमाइज में एवरेज निकालने के लिए काउंट निकालने के लिए काउंट ए, मैक्सिमाइज, इन सभी चीज़ों को अलग अलग दिया गया है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर सम करना है, तो सम देखें कितना नंबर पे है, 9 नंबर पे 9 दे देना है, कमा कर देना। अब मांग रहा है यहाँ पर रिफरेंस पे हमने जो है क्या करना है, क्वांटिटी को दिखाना हो सभी को, तो सभी क्वांटिटी को ले लेते हैं, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और इंटर बटन प्रेस कर देंगे, देखेंगे यहाँ पर टोटल क्वांटिटी आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह से हमें टोटल अमाउंट निकालना हो, उसके लिए इक्वल यूज करेंगे, फिर से यहाँ पर यूज करेंगे हम सब टोटल का। उसके बाद हमें क्या करना है, सम करना, उसके लिए फिर से यहाँ पर 9 नंबर टाइप कर देंगे, कोमा दे देंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ से जो पूरे रेंज को सेलेक्ट कर देना रिफरेंस में, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और इंटर बटन प्रेस कर देंगे, देखेंगे इस तरह से यहाँ पर टोटल निकल करके हमारे पास जो है आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब देखेंगे यहाँ पर फिल्टर पे जाते हैं, सभी को हटा देते हैं, इसमें से किसी एक पार्टिकुलर जो है आइटम को हमें सेलेक्ट करना है, जैसे कीबोर्ड का देखना है, कीबोर्ड को ले लेंगे, ओके कर देंगे, देखेंगे कीबोर्ड हमने टोटल कितना क्वांटिटी सेल किया है यहाँ पर, 43, अमाउंट कितना किया है वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से जाइए सभी को हम फिर से टिक लगा देते हैं, ओके। उसी तरह से हमें क्या करना है, यहाँ से हमें देखना है सिर्फ सिर्फ माउस को, प्रिंटर को, प्रिंटर को ले लेंगे, देखेंगे टोटल क्वांटिटी हमने जो है कितना 30 सेल किया है, टोटल अमाउंट हमने जो है यहाँ पर देख सकते हैं कितना का किया है, वो भी यहाँ पर आ जाएगा इस तरह से। तो चलिए आई होप ये भी आप लोगों को क्लियर आ गया होगा कि सब टोटल का यूज क्या होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। चलिए अब हम नेक्स्ट हम सीखेंगे यहाँ पर सम इफ। सम इफ क्या होता है, जैसे कि हमें क्या कर देना है, किसी एक पार्टिकुलर आइटम के जो है ना बेसिस पे हमें उसका टोटल जो है सेल निकालना हो। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास प्रोडक्ट का नेम है, क्वांटिटी है, प्राइस है, यहाँ पर टोटल सेल अमाउंट है। हमें क्या करना, माँ इस लिस्ट में से कीबोर्ड को हमने टोटल कितना सेल किया उसके अमाउंट को दिखाना हो, तो कैसे दिखाएंगे, तो उसके लिए यूज करेंगे यहाँ पर सम इफ। तो इक्वल यहाँ पर जाएंगे, सम इफ ब्रैकेट को यहाँ पर ओपन कर लेंगे। अब मांग रहा है रेंज, रेंज पे ले लेंगे ये वाले जो आइटम से इसको ले लेना है, कोमा। अब क्या मांग रहा है यहाँ पर, क्राइटेरिया, क्राइटेरिया पे हम दे देंगे ये वाला सेल को, कोमा। अब क्या मांग रहा है यहाँ पर, सम रेंज, तो हमें दे देना है क्वांटिटी को, सॉरी हमें जो है ना क्वांटिटी को यहाँ से हम इसको लेना चाहते हैं, टोटल सेल को दिखाना है, तो टोटल सेल को लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमें क्या कर देना है यहाँ पर, ब्रैकेट को, इसको ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, जब हम प्रेस कर देंगे 0 आ रहा है, किसका दिखाना है, कीबोर्ड का टोटल सेल दिखाना है, कीबोर्ड यहाँ पर टाइप कर देंगे, इंटर बटन प्रेस कर देंगे, कीबोर्ड का टोटल सेल यहाँ पर आ जाएगा। उसी तरह से हमें क्या करना, प्राइस निकालना हो किसका, जैसे माउस का प्राइस निकालना हो, तो कैसे निकालेंगे, उसके लिए जाएंगे इक्वल, यहाँ पर टाइप करेंगे सम इफ, ब्रैकेट को ओपन कर लेना है, रेंज पे हम ले लेंगे सभी के प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर लेंगे, कोमा। आप मांग रहे क्राइटेरिया पे ये वाला सेल को ले लेना है, कोमा दे देंगे। अब मांग रहा सम रेंज, तो हमें क्या करना, प्राइस को दिखाना हो, तो टोटल प्राइस को हम यह जो है ना प्राइस वाला कॉलम है पूरे इस रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और इंटर बटन प्रेस कर देंगे, देखेंगे यहाँ पर अभी 0 दिख रहा है हमें, किसका जो है क्या करना है, प्राइस दिखाना हो, प्रिंटर का। चलिए यहाँ पर जाते हैं,
यहाँ पर टाइप कर देते हैं प्रिंटर, देखेंगे आ जाएगा। ठीक है, टोटल हमारा प्राइस कितना है प्रिंटर का, यहाँ पर देखेंगे सब मिला करके दिखा देगा। उसी तरह से अगर माउस का दिखाना हो तो यहाँ पर चाहेंगे माउस टाइप कर देंगे, देखेंगे माउस का 400 है, तो यहाँ पर 400 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से। चलिए, आई होप इतना तक क्लियर आ गया होगा। अब हमारा नेक्स्ट है यहाँ पर रेंट। रेंट क्या होता है, जैसे हमें जो है ना रेंडमली कुछ नंबर यहाँ पर ऐड करना हो तो आप जो है ना उस चीज को कर सकते हैं। उसके लिए इक्वल RAND ब्रैकेट ओपन क्लोज इंटरनल प्रेस कर देंगे, देखेंगे रेंडमली यहाँ डिसिमल पे नंबर ले लेगा। चाहिए यहाँ पर इस तरह से ड्रैग कर देंगे, देखेंगे इस तरह से ले लेगा। अगर यहाँ पर रेंडमली ऑटोमेटिकली ले लिया, यहाँ पर आप कंडीशन देना चाहते हैं कि रेंडमली एक से हम नंबर अगर यहाँ ऐड करना चाहते हैं वो 10 से एबव का हो, या फिर 30 से एबव का, 40 से एबव का, 15 से एबव, तो उस हिसाब से भी आप ऐड कर सकते हैं। उसके लिए इक्वल RAND रेंट ब्रैकेट ओपन क्लोज प्लस कितना 10 करना चाहते हैं एंटर बटन प्रेस कर देंगे, तो देखेंगे यहाँ पर ऑटोमेटिकली ब्रेक डाउन करते जाइए तो यहाँ पर 10 से अबव का लेगा। हमने प्लस 10 किया तो उसके हिसाब से डेसिमल नंबर यहाँ पर ऑटोमेटिकली रेंडमली टाइप कर देगा। चलिए, इतना तक क्लियर आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं रेंज बिटवीन। जैसे कि आप गए इंटरव्यू देने के लिए, आपके पास जो है कुछ इस तरह का स्टूडेंट का नाम दे दिया गया, उसमें आपको बोला गया ये हमारा सब्जेक्ट है, इसमें रेंडमली आपको नंबर ऐड करना है 30 से 100 के बीच में या 30 से 100 के बीच में, वो कैसे करेंगे, या फिर बोला गया आपको 50 से 100 के बीच में करना हो, तो उसके लिए यहाँ पर यूज करेंगे रेंज बिटवीन। ठीक है, चले आइए यहाँ पर किसी भी एक पे, यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे इक्वल RAND रेंज बिटवीन हम टाइप कर देंगे, ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद कितना से कितना के बीच में देना चाहते हैं, हम देना चाहते हैं 50 से 100 के बीच में, यहाँ 50, 100 दे देंगे, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, इंटर बटन प्रेस कर देंगे। ठीक है, अब जाइए डायरेक्ट डाउन करते, इस तरह से डायरेक्ट करते हुए चले आएंगे और यहाँ पर भी चले आएंगे, देखें इस लिस्ट में जो है ना 50 से 100 के बीच में ऑटोमेटिकली नंबर यहाँ पर दे देगा। चलिए, इतना तक क्लियर आ गया होगा। अब हम चलते हैं काउंट इफ। काउंट इफ में क्या होता है, जैसे कि आप गए इंटरव्यू देने के लिए, इंटरव्यू लेने वाले ने आप लोगों को जो इस तरह का अटेंडेंस शीट दिया, इसमें से आपको बोला है टोटल हमारे पास कितने प्रेजेंट और एब्सेंट आया है एक एम्प्लॉय का इस वीक पे, तो वो आप कैसे निकालेंगे। उसके लिए सबसे पहले उसने जो एक यहाँ पर कंडीशन भी दे दिया है कि जो भी हमारा प्रेजेंट है उसको पी दिखाया गया, जो ऑप्शन है वो ए दिखाया गया, इसी चीज को काउंट करना है। उसके लिए इक्वल यहाँ पर यूज करेंगे काउंट इफ ब्रैकेट को ओपन कर लेना है। अब मांगना रेंज, तो रेंज ये वाला हमारा जो है रो हो जाएगा, कॉमा इनवाइट कॉमा क्या करना, पी को दिखा काउंट करना, पी इनवाइट कॉमा उसके क्या कर देंगे यहाँ ब्रैकेट को क्लोज इंटर बटन प्रेस कर देंगे, तो देखेंगे हमारे पास कितना बार प्रेजेंट आया है इस वीक में, वो 5-4 दिन। तो चलिए इस तरह से ड्रैग डाउन करते हुए नीचे, तो सभी पे ये अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से चले जाते ऑप्शन को दिखाना हो तो इक्वल यहाँ पर यूज करेंगे हम काउंट इफ का ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, फिर से ये वाला पूरे रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा इनवाइट कॉमा हमें क्या दिखाना है, यहाँ से दिखाना ऑप्शन, तो ए टाइप करेंगे इनवाइट कॉमा ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे इंटर बटन प्रेस कर देंगे, तो देखेंगे ये हमारा टोटल 2 डेज 2 डेज यहाँ पर ऑप्शन है, तो वो भी दिखा रहा है। यहाँ पर देखिए 6 दिन है पूरा, चलिए इसका भी कोई एक ऑप्शन लगा देते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं ऑटोमेटिकली एक एक करके आ जाएगा। चलिए, अब हमारा नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, प्रॉपर। प्रॉपर का यूज हम कब करते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास जो है ये हमारा जो है कुछ कस्टमर का नेम है, ID है, कुछ कस्टमर नेम है, लेकिन ये नेम हमारा पूरा का पूरा जो स्मॉल लेटर पे हमें बोला गया, इसको एक प्रॉपर वे पे लिखना है। इसका फर्स्ट नेम कैपिटल लेटर पे होना चाहिए, लास्ट नेम का जो फर्स्ट लेटर है वो भी कैपिटल पे होना चाहिए। उस चीज को आप कैसे कर सकते हैं, उस चीज को यूज कर सकते हैं प्रॉपर के माध्यम से। उसके लिए यूज करेंगे इक्वल यहाँ पर टाइप करेंगे प्रॉपर, ब्राइट को हम कर देंगे ओपन, उसके बाद ये वाला जो सेल है इसको सेलेक्ट कर लेना है, ब्राइट को क्लोज कर देना है, इंटर बटन प्रेस कर देंगे, देखेंगे इस तरह से ये ऑटोमेटिकली प्रॉपर वे पे दिखा देगा। इसको ड्रैग करते हुए नीचे चले जाइए, उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से इसको जो है कॉपी कर लेंगे, इसका फर्स्ट वाला सेल पे चले जाएंगे, राइट बटन क्लिक कर देंगे, पेस्ट इस सेल पे चले जाना है, वैल्यूज पे जाना है, ओके कर देना है और कीबोर्ड से एस्केप की प्रेस कर देना है, इसको सेलेक्ट कर लेना है यहाँ से और डिलीट कर देना है, तो देखेंगे यहाँ से हमारा जो है प्रॉपर वे पे आ जाएगा। चलिए, अब हमारा नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, टाइम एंड डेट। टाइम एंड डेट पे क्या कर सकते हैं, जैसे कि आपको बोला गया है क्या कि अभी का जो टाइम है वो दिखाना हो, टाइम डेट दोनों, उसके लिए यूज करेंगे इक्वल NOW now ब्रैकेट क्लोज ओपन क्लोज इंटर, देखेंगे आ जाएगा। यहाँ पर बोला गया सिर्फ आज का जो डेट है वो दिखाना, उसके लिए इक्वल यहाँ पर यूज करेंगे टूडे, ठीक है, ब्रैकेट ओपन क्लोज इंटर, आज का जो डेट है वो यहाँ पर आ जाएगा। उसी तरह से हमें बोला कल क्या था वो दिखाना, उसके लिए यूज करें इक्वल टूडे ब्रैकेट ओपन क्लोज -1, कल कितना तारीख था 17, वो दिखा देगा। परसों क्या होगा इक्वल, उसके बाद हम यहाँ पर यूज करेंगे टूडे, ठीक है, यहाँ पर हम यूज करेंगे टूडे ब्रैकेट ओपन क्लोज, उसके बाद क्या करना प्लस 1, इतना दिखाया। अगर उससे 2 दिन आगे देखना है
प्लस टू दिखा देगा इस तरह से। चलिए इतना तक क्लियर आ गया होगा। अब हम चलते हैं यहाँ पर रोमन। रोमन क्या होता है, जैसे सीरियल नंबर हमारा 1 2 3 इस तरह से रोमन जो है नंबर वाइज दिया, इसको रोमन पे दिखाना हो तो उसके लिए यूज करेंगे इक्वल, यहाँ पर यूज करेंगे रोमन, ब्रैकेट को हम क्लोज कर देंगे, ओपन कर लेंगे, और ये वाला सेल को सेलेक्ट कर देंगे, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, इंटर बटन प्रेस कर देंगे, देखेंगे रोमन पे आ जाएगा। इसको ड्रैग करते हुए नीचे चले जाइए, यहाँ तक इतना तक देखेंगे ये हमारा रोमन पे चेंज हो जाएगा। अब हमें क्या करना, इसको कॉपी कर लेना है, ये पहला वाला सेल पे जाना है, राइट बटन क्लिक कर देना है, पेस्ट इस सेल पे जाना है, फिर से वैल्यू पे चले जाना है, ओके कर देंगे, देखेंगे सभी के सभी ऑटोमेटिकली रोमन पे चेंज हो जाएगा। इस सिलेक्शन को हटाने के लिए यूज करें कीबोर्ड से स्केप की को प्रेस कर देंगे, हट जाएगा, सेलेक्ट कर देंगे, डिलीट कर देंगे, तो देखेंगे यहाँ से डिलीट हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर सम प्रोडक्ट, ठीक है। सम प्रोडक्ट में क्या होता है कि आपका जो है ना यहाँ पर ऑटोमेटिकली सभी का जो है सम करके टोटल अमाउंट यहाँ पर दिखा देगा, उसके लिए यूज करेंगे इक्वल सम प्रोडक्ट, ठीक है ना, सम यहाँ पर प्रोडक्ट का यूज करेंगे, ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे, और यहाँ से जो है ना सबसे पहले हम रेंज क्वांटिटी को सेलेक्ट कर लेते हैं कॉमा, अब क्या रेंज टू पे जो है एरे टू पे जो है हम ले लेते हैं प्राइस को, ब्रैकेट को ओपन कर क्लोज कर देंगे, एंटर बटन प्रेस कर देंगे, देखेंगे यहाँ पर ऑटोमेटिकली दिखा देगा उस चीज को। और एक चीज से जो क्लियर कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ पर यूज करेंगे इक्वल, यहाँ पर आ जाते हैं इक्वल, हमें क्या करना है क्वांटिटी इनटू प्राइस कर देंगे, देखेंगे इस तरह से, सॉरी सबसे पहले क्वांटिटी को लेना है इनटू क्या करना है प्राइस, देखेंगे अब यहाँ पर चलिए डायरेक्ट करते हुए नीचे इतना तक, उसके प्लस इक्वल चलाएंगे, देखेंगे तो भी यहाँ से दिखा देगा उस चीज को। आप ऐसा नहीं करके डायरेक्ट जो है ना सम प्रोडक्ट से आप सभी का टोटल ऐसे भी निकाल सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, इफ फंक्शन। इफ फंक्शन जो कि हमारा एक लॉजिक फंक्शन है, तो आपका इंटरव्यू देने के लिए इंटरव्यू लेने वाले ने आपको इस तरह का एक लिस्ट दिया जिसमें आपको बोला गया जो भी स्टूडेंट 380 से ऊपर या फिर जो है 380 से जो है 230 के बीच में मार्क्स लाया उसको हमें पास दिखाना है, बाद बाकी फेल दिखाना है, उस चीज को आप कैसे कर सकते हैं, उसके लिए यूज करेंगे यहाँ पर इक्वल, उसका इफ फंक्शन का यूज करेंगे, ब्रैकेट को हम यहाँ से कर देंगे ओपन, अब क्या मांग रहा है लॉजिक टेस्ट, उसमें हम ले लेंगे यहाँ से टोटल मार्क्स को, ठीक है इतना को हम ले लेते हैं। अब यहाँ पर क्या कर देंगे ग्रेटर देन उसका दे देंगे इक्वल। अब हमें क्या करना है, यानी जो भी कितना 230 से ऊपर मार्क्स लाया है उसको क्या करना पास दिखाना होता है, यहाँ पर कॉमा इनवाइट कॉमा, अब हमें क्या कर देंगे यहाँ पर पास दे देंगे इस तरह से, उसका इनवाइट कॉमा कॉमा फिर से इनवाइट कॉमा अदरवाइज फेल, तो यहाँ पर हम दे देंगे फेल, ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज, और यहाँ से इंटर बटन प्रेस कर देंगे, तो देखेंगे यहाँ पर जो है पास दिखा देगा, चले जाएंगे देखेंगे जो भी स्टूडेंट हमारा 300 कितना यानी 230 से नीचे लाएगा, कोई भी 230 से नीचे नहीं लाया चलिए इसका कर देते हैं 20, देखेंगे ये हमारा जो है फेल हो जाएगा, यानी 230 से कम मार्क्स लेकर के आया है, ठीक है इस तरह से, फिर हम 50 कर देखेंगे ऑटोमेटिकली पास दिखा देगा। अब हमारा नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है वी लुकअप, जिसको बोलते हैं वर्टिकल लुकअप। हमें क्या करना है, इस रोल नंबर के बेस पे हमें क्लास और स्टूडेंट का नाम दिखाना हो, उस चीज को आप कैसे दिखा सकते हैं, तो उसके लिए यूज करेंगे इक्वल, उसके यहाँ पर यूज करेंगे हम वी लुकअप, ठीक है। अब क्या मांग रहा है लुकअप वैल्यू पे हम ले लेते हैं ये वाले जो हमारा सेल है इसको, कॉमा अब मांग रहा है टेबल एरे, टेबल एरे पे यहाँ से हम पूरे का पूरे टेबल को सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा अब मांग रहा है हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर, तो कॉलम इंडेक्स नंबर इसमें से देखना है कि हमारा क्लास कितना वाला कॉलम पे, जैसे हमने यहाँ से सेलेक्ट किया है तो एक, ये दूसरा वाला पे दो दे देंगे, कॉमा एग्जिट मिनट के लिए 0, ब्रैकेट को क्लोज और इंटर बटन प्रेस कर देंगे, तभी ये नहीं दिखा रहा है तो यहाँ पर रोल नंबर पे जाते हैं और A001 देखेंगे यहाँ पर दिखा देगा थर्ड, चलिए ये तीन क्लास में है, ठीक है कौन सा जीरो ये वाला रोल नंबर, उसी तरह से हमें देखना है भाई 05 कितना है? ये हमारा फोर्थ पे देख रहे हैं फोर्थ पे दिखा देगा। चलिए अब हमें क्या करना है, स्टूडेंट का नाम भी निकालना हो इक्वल, हमें यहाँ पर यूज करेंगे वी लुकअप, ठीक है उसके लुकअप वैल्यू के लिए हम ले लेते हैं रोल नंबर को, कॉमा टेबल एरे पे ले लेंगे पूरे का पूरे टेबल को फिर से, कॉमा अब क्या मांग रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर, तो हमें स्टूडेंट निकालना है, स्टूडेंट का कितना नंबर कॉलम पे 1 2 3, ठीक है यहाँ पर दे देंगे 3, कॉमा एग्जिट मिनट के लिए 0, ब्रैकेट को क्लोज और एंटर बटन प्रेस कर देंगे, तो देखेंगे हमारा जो है 5 नंबर पे कितना है रोल नंबर 5 पे फोर्थ क्लास में, ये इसका नाम है सुमित, ये दिखा देगा। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्या है इसी में, ये है एच लुकअप, जिसको बोलते हैं हॉरिजेंटल लुकअप, जैसे वी लुकअप ये हमारा वर्टिकल लुकअप हो गया, एच लुकअप जिसको बोलते हैं हॉरिजेंटल लुकअप, इसको कैसे करेंगे, तो देखिए उसके लिए हमें जो है ना क्या करना है, यहाँ पर हम जो है ना रोल नंबर के बेस पे निकालना चाहते हैं क्लास और टोटल मार्क्स को, तो उसके लिए हम क्या कर देंगे यहाँ पर चले आते हैं क्लास पे इक्वल, यहाँ पर हम टाइप करेंगे एच लुकअप, ठीक है एच लुकअप, ब्रैकेट को हम ओपन कर लेंगे, लुकअप वैल्यू पे हम ले लेते हैं ये रोल नंबर को, कॉमा
तो हम अब क्या मांग रहा है यहाँ पर, टेबल एरे, तो यहाँ से पूरे टेबल को सेलेक्ट कर लेते हैं, हमने जो हेडिंग दिया इसको छोड़ के यहाँ से हम ले लिया। तो हम अब क्या मांग रहा है यहाँ पर, यहाँ पर मांग रहा रो इंडेक्स नंबर, वर्टिकल जो वीलुकअप था उसमें क्या मांग रहा था, कॉलम इंडेक्स नंबर, यहाँ पर मांग रहा रो इंडेक्स नंबर। अब देखना हमारा क्या निकालना है, क्लास, क्लास इसमें से देखना कितना पे, ये एक ये दो, तो दो दे देंगे, कॉमा, एग्जिट मैच के लिए 0, ब्रैकेट को क्लोज, इंटर बटन। तो अभी यहाँ पर ये नहीं दिखा रहा है, तो जो ही हम रोल नंबर टाइप करेंगे A001, देखेंगे थर्ड क्लास पे दिखा देगा, ठीक है। टोटल मार्क्स को निकालना हो उसके लिए इक्वल, फिर से यहाँ पर यूज करेंगे एच लुकअप, ठीक है, दे देंगे इस तरह से। अब मांग रहा है यहाँ पर लुकअप वैल्यू पे रोल नंबर को ही ले लेते हैं, कॉमा, टेबल एरे पे पूरे के पूरे टेबल को सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद दे देंगे यहाँ से फिर से हमें क्या, कॉमा, अब मांग रहा है रो इंडेक्स नंबर, तो ये हमारा कितना पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी हमारा टेबल हमने यहाँ से सेलेक्ट किया है, तो ये हमारा यहाँ से देखेंगे तो रो नंबर 9 पे आता है हमारा टोटल मास, में टोटल मास निकालना है तो यहाँ पर 9 दे देंगे, कॉमा, एग्जिट मैच के लिए 0, ब्रैकेट को क्लोज, एंटर बटन प्रेस कर देंगे, तो देखेंगे इस तरह से हमारा जो है यहाँ पर टोटल मास भी निकाल के दिखा देगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारा कितना है, रोल नंबर A001, इसका टोटल मास कितना आया है, 282, ठीक है। चलिए हम यहाँ पर रोल नंबर चेंज कर देते हैं, A005 देखते हैं, तो ये कितना, 343, A005 कहाँ पर है, A005 343। तो इस तरह से जो है आप जो है एच लुकअप की सहायता से भी हॉरिजॉन्टल वाइज जो है डेटा को आप फाइंड आउट कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। तो आज के इस वीडियो में हमने आप लोगों को बताया कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो ये 14 बहुत ही इंपोर्टेंट जो है फॉर्मूलेस के बारे में, आई होप सभी चीज़ें क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, इसमें से कौन सा फॉर्मूला आपको आता था या कौन सा नहीं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, ताकि हमारा आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।